सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारपुर गांव में भीषण अगलगी के कारण दलित बस्ती पूरी तरह उजड़ गया। सब कुछ जलकर अग्नि की भेंट चढ़ गया। 100 से अधिक घर और दर्जनों मवेशी जलकर खाक हो गए। भीषण अगलगी के कारण चारों तरफ रुदर क्रंदन मचा रहा। लोग सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए खुले मैदान की तरफ भाग रहे थे। वहीं सूचना के बाद करीब एक दर्जन दमकल वाहन जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे। बावजूद इसके 4 घंटे तक मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तब तक 100 से अधिक घर और उनके घर में खूंटे से बंधे मवेशी जलकर अग्नि की भेंट चढ़ गए। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर राख कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घरों में रखा गया करीब 20 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जो कि अग्नि को बढ़ाने के में सहायक हुआ। कई बाइक भी जल गए। इस संबंध में मौके से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को मदारपुर दलित बस्ती में परिजन अपने काम में जुटे थे, तभी अचानक आग की लपटें दिखने लगी। आग की लपटों को देख घर के लोग कुछ समझ पाते, तब तक देखते ही देखते कई घरों में आग फैल चुकी थी। लोग आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज हवा के कारण आग फैलते गया। रिपोर्ट हलचल न्यूज छपरा से रंजीता गुप्ता। कितने नुकसान हो चुके हैं यहाँ पे? मैंने आप बता रहे हैं कि ऐसा स्थिति तो इधर हुआ ही नहीं था। इस जिला में मुझे कि फर्स्ट ऐसा रूप है कि अभी आग पर हम लोग काबू नहीं पा रहे हैं। कब से आग लगी है? 12 बजे। कितने घरों को नुकसान हो चुका है? कितने घरों को नुकसान हो चुका? मोटा मोटी 150 घर का नुकसान हुआ है। 150 घर का नुकसान हुआ है। ऊपर मान करे 200 मानी। अभी क्या 200 मानी? अभी हम लोग जितना देर से घूम रहे हैं उतना देर पार नहीं पा रहे। स्थिति क्या है? स्थिति क्या है अभी? अभी स्थिति बहुत भयावह है। अभी स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर अभी संभाल की बात नहीं है। अभी काबिन क्या कारण बता रहा है? तुरंत फायर ब्रिगेड को पहले दो गाड़ियाँ भिजवाई हैं। मान लो कोई और भी गाड़ियाँ इसकी ज़रूरत है तो मथौड़ा से फिर से हमने जिला को सूचना दी। उसके आधार पर जितनी भी गाड़ियाँ थी हमारे ज़िले में करीब करीब अभी 9 गाड़ियाँ पहले आ चुकी थी। एक गाड़ी भी शायद अभी सूचना मिल गई कि वैशाली से ही जा रही है। कितने सर घर में आग लगी है? अभी आकलन तो करना मुश्किल है, लेकिन फिर जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कम से कम 60-70 घर है। फाइनल अभी आकलन किया जाए तो उसके बारे में फिर हम आपके बारे में बता देंगे, लेकिन एक्चुअली 50-60 घर से हमको अंदाज लग रहा है, उससे अधिक भी हो सकता है। लगातार आप लोग घंटों से प्रयास बहुत देर से किया जा रहा है। काफ़ी फायर ब्रिगेड ने काफ़ी अच्छा वर्क किया है। हमने चारों तरफ से घिरवा दिया है, स्प्रेड होने देना बंद कर दिया है। अब घर में कोई आग नहीं लगी हुई है और आगे जो गेहूँ में लास्ट जो था छोड़कर उसको हमने बुझवा दिया है, ताकि अब आगे आग ना बढ़े और बाकी सब में जितना भी लगा हुआ उसको बुझाने का प्रयास करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है। हमारे साथ हमारे आर ओ साहब हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लोकल लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। धन्यवाद। उसको हम लोगों ने काबू पा लिया।